जय भीम इंडिया, भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बहुजन न्यूज बुलेटिन की। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बीएसपी की तरफ से। अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए बीएसपी ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जनाधार को वापस पाने के लिए पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के दिन को चुना है। 9 अक्टूबर को कांशीराम की 12वीं पुण्यतिथि है। इस दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा एक विशाल रैली आयोजित कर रही है। लखनऊ के कांशीराम इको गार्डन में होने वाली रैली में मायावती शक्ति प्रदर्शन करके विपक्षी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। इसके बाद प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अलग अलग तारीख में रैली करने की योजना भी बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा के लिए औपचारिक प्लेटफॉर्म तैयार करने की गरज से ये रैली काफी अहम मानी जा रही है। इसलिए बसपा के मंडल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जोनल कोऑर्डिनेटर को अपने मंडल से 15,000 से 20,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को लाने के लिए कहा गया है। बसपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष आरएच कुशवाहा ने बताया है कि कांशीराम इको गार्डन में होने वाली रैली में 2,00,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। हर मंडल के पदाधिकारियों को रैली को सफल बनाने के लिए अपने क्षेत्र से लोगों को लाने का निर्देश दे दिया गया है। बसपा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए काफी तैयारी कर रखी है। लोगों की भीड़ जुटाने के लिए करीब 1 दर्जन ट्रेन और 210 बसें बुक की गई है। इसके अलावा पार्टी के नेताओं से छोटी गाड़ियों से भी लोगों को लाने को कहा गया है। दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आ रही है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर मायावती ने उनके ऊपर कड़ा रुख अपनाया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ये एक बयान दिया था कि मायावती कांग्रेस से इसलिए समझौता नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें सीबीआई का डर है। तो दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी व श्रीमती सोनिया गांधी भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और बसपा का समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जैसे निजी स्वार्थ नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो। यह बातें उन्होंने 3 अक्टूबर को मीडिया को प्रेस जारी करते हुए कही थी। दोस्तों, आगे यूपी से एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आ रहा है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस सर्वे में यूपी को कितनी सीट मिलेगी, एनडीए को कितनी सीट मिलेगी, अगर महागठबंधन साथ में लड़ता तो कितनी सीट जीत पाएगा, अगर मायावती जी अलग लड़ती तो कितनी सीट जीत पाएगी, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर मैं आपको इसमें सबसे पहली स्थिति बताऊं, SP-BSP का गठबंधन हुआ और कांग्रेस अलग से लड़ेगी, यानी कि दोस्तों सिर्फ एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो इसमें एनडीए को 36 सीटें और एसपी और बीएसपी के गठबंधन को 42 सीटें और यूपीओ को यानी कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती है। और साथियों, इसमें मैं आपको अगली स्थिति बताता हूँ, SP-BSP और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो यानी कि दोस्तों तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ तो इसमें एनडीए को 24 सीटें मिल सकती है और यूपीओ को 56 सीटें, यानी कि दोस्तों तीनों पार्टियों का साथ आना एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी सरकार गिर सकती है 2019 में अगर SP-BSP और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती है यूपी में। तो अगर दोस्तों तीसरी स्थिति में आपको बता दूं, अगर मायावती अलग से चुनाव लड़ती है यानी कि दोस्तों ना वो एसपी के साथ गठबंधन करती है ना ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो इसमें एनडीए को 70 सीटें मिल सकती है, यूपीए को 2 सीटें यानी कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीट आ सकती है। अगर दोस्तों मायावती जी अलग हो जाती महागठबंधन से तो यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, वो 70 से ज्यादा सीटें जीत सकता है और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाएगी और अन्य के खाते में यानी कि एसपी और बीएसपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आ पाएगी। तो साथियों, आप क्या चाहते हैं, महागठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यूपी में? जो भी आपकी राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। ये वीडियो हर भोजन समाज के घर तक जाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भोजन समाज की खबरें जानना चाहते हैं, भोजन समाज की न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा के हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।